तुम किसी का वेट कर रहे हो? हाँ, मैं पोस्टमैन का वेट कर रहा हूँ, आज काफी लेट हो गया है वो। अच्छा, तो तुम भी किसी के लेटर का वेट कर रहे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे कबाव वेट करते रहता है। प्लीज, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं बिल्कुल भी कबाव जैसा नहीं हूँ। सिर्फ क्या है? सच बात ये है कि मुझे पता चला कि सुमित के सबसे बड़े फैन को उसके साथ एक हॉलीडे मनाने का मौका मिलेगा। वाओ, हॉलीडे, वो भी मिस सुमित के साथ? मैं जाऊंगा ना उसके साथ? तुम सिर्फ मेरे रोबोट बन के रहो, क्या समझे? खड़ूस, मुझे नहीं मालूम कि वो लकी पर्सन कौन है, लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। मैं तो एक्नॉलेजमेंट लेटर का वेट कर रहा हूँ। क्या अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है? अरे वो आ गया, मेरा लेटर आ गया, मेरा लेटर आ गया। हुर्रे, किसी को सच में लेटर मिल गया। सब बच्चे सीधे लाइन में खड़े हो जाओ, एक्नॉलेजमेंट लेटर हाथ में रखना। किसी भी हालत में मुझे ही जाना है। ओए साबू, तुम इतने स्लो क्यों करे हो, जल्दी चलो ना। ऐसे सारे बैग्स उठाकर भाग रहा हूँ, तुम कितने गंदे हो। एक्सक्यूज मी, तुम लोग लाइन में नहीं आ सकते हो क्या? चुप रहो। कब आओ तुम? मिच्चू, मुझे नहीं मालूम था तुम भी यहाँ आ रहे हो। मैं कैसे नहीं आता? मुझे तो लगा था कि मैं अकेले ही जाने वाला हूँ। मिच्चू, तुम यहाँ? मुझे मालूम था कि तुम भी आने वाले हो, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। मैं तो सोचा था कि स्केटिंग में मैं सुमीरे के साथ जोड़ी बनाऊंगा, लेकिन अमिची को बीच आ गई, अब क्या करूँ? डाल लो कब आओ, मैं विंडो सीट लूंगा, समझे साबू? मुझे मालूम था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट हमारी मिस सुमिरे। थैंक यू सो मच। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मिच्चू। तुम अकेले ही उसके फैन नहीं हो, हम भी यहाँ पर हैं, समझ गए ना मिच्चू? हम चले एक साथ एक पिकनिक पर, मिस सुमिरे हैं हमारे साथ साथ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब इस ट्रिप में मेरे साथ आए हैं। हम लेक के पास ओवरनाइट स्टे करने जाएंगे। हर कॉर्नर पर मेरा स्टाफ वहाँ होगा जो आपका ख्याल रखेगा। आप रिलैक्स हो जाइए और मजे उठाइए, एंजॉय। मुझे कुछ पूछना है, स्केटिंग में मिस सुमिरे का पार्टनर कौन होगा? मेरे पार्टनर को तो मैं चिट्स की तरह लॉटरी द्वारा चुनूंगी। मैं किसी भी कीमत पर कबाओ को सुमिरे का पार्टनर नहीं बनने दूंगा, कभी नहीं। आइडिया, वाओ, कितनी सुंदर जगह है ना। लेकिन लेक का पानी पूरी तरह से आइस नहीं बना है। आई होप मिस सुमिरे की पेयर स्केटिंग का आइडिया फ्लॉप ना हो जाए। हाँ भाई, आखिर मुझे ही तो उसके साथ स्केट करना था ना। चुप रहो मिच्चू, अभी तक पार्टनर चुनने की लॉटरी नहीं निकली। और तुम्हारा नाम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे साथ स्केट करने के लिए कोई तैयार नहीं है? तुम सबको सिर्फ मिस सुमिरे ही पार्टनर बनना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो तो। कोई बात नहीं, लगता है वो गुस्सा हो गई है। ठीक है, हमें क्या? अरे ये क्या हो गया? ओहो, मुझे ही कुछ करना होगा। समझ गया, रोबोट किस दिन काम आएगा। वाह वाह, आखिर मुझे पिकनिक में बुलाना पड़ा ना। हाँ, लेकिन पिकनिक का मजा और भी बढ़ेगा अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो। एक दिन में दो शिकार, लेकिन उस लेक में हम स्केटिंग कैसे कर पाएंगे? सोचा? हाँ हाँ, सोचा है सोचा है। तुम्हें मालूम है ना तुम क्या करने वाले हो? तुम हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो। देखो, ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे? मैं जा रहा हूँ। आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, पता नहीं कल हम लेक पर स्केटिंग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आज इतने लंबे सफर के बाद प्लीज अपना फूड एंजॉय कीजिए और मेरा गाना सुनिए। मैं कितनी लकी हूँ कि आप सबके साथ एंजॉय कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा गाना अच्छा लगेगा। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि इस रेफ्रिजरेटर से इस लेक का पानी बर्फ हो जाएगा या नहीं? डोंट वरी, जरूर होगा, मैं हूँ ना। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बनाना खिला दूंगा बाबा, इतने छोटे से काम के लिए मस्का मारना पड़ता है। रूबी, अपना बैज मुंह में रख लो। चलो इसका प्लग कनेक्ट कर देते हैं। ये तो बहुत ठंड है, लगता है टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही कम हो गया।
लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वाह बर्मन आ गया। हाय बर्मन, तो मुझे तो आना ही था। हमारी तरफ से ये फ्लावर बुके, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू। ओके दोस्तों, और अब कल के पेयर स्केटिंग के लिए हम नाम चुनने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, प्लीज मेरा नाम भी ऐड कर दीजिए। जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं आपकी मदद करूँ तो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक चिट्ठी पर अपना नाम लिखकर इसमें डाल दो, ठीक है? मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इस बॉक्स में डालना है ना? पूरी तैयारी के साथ आए हो? मैं इस बॉक्स में जो नाम लिखे वो पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे ग्रुप में बॉयज कुछ ज्यादा हैं और गर्ल्स कम है, तो कुछ पेयरिंग बॉयज बॉयज के भी हो सकते हैं। साकाय हरुमी के साथ होसोका शुइची मिचिको और बर्मन। बहुत मजा आएगा। के साथ साबू। मैं क्या इतनी दूर से तुम्हारे साथ नाचने आया हूँ साबू? होशिनो सुमिरे के साथ सुआ मित्सु। यिप्पी, यही तो हमारा प्लान था है ना? वाह, इस लेक का पानी अच्छी तरह से बर्फ बन गया है और टेम्परेचर भी आज काफी कम है। चलो रेफ्रिजरेटर को बाहर निकालते हैं। मिस सुमिरे, मुझे लगता है आज आप बहुत थक गई होंगी, क्यों? हाँ, कोई बात नहीं, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए और थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। ओके। वैसे आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। हाँ ठीक कह रही है मिस सुमिरे, कल का पेयर स्केटिंग का प्रोग्राम अच्छे से निपट जाए बस। गुड नाइट मिस सुमिरे। गुड नाइट। स्केटिंग ग्राउंड रेडी है कल के पेयर स्केटिंग प्रोग्राम के लिए, कल हम आराम से स्केट कर सकेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में स्केट कर सकते हो? मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हाँ हम कर सकते हैं ना, रोबोट तुम्हें परमैन बनना होगा। हम भी बर्फ बन गए हैं। ओ नो, अब तो मैं भी परमैन नहीं बन पाऊंगा, अब क्या करें? परमैन बोल रहा हूँ, मैं परमैन बोल रहा हूँ। लगता है कि ये भी एक तरह की मूव है कबाओ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो एकदम स्केटबोर्ड की तरह फ्लैट हो गई है। चुप रहो साबू, मैं क्या तुम्हें स्केटबोर्ड लगता हूँ? सब लोग यहाँ लेक के पास जमा हो जाओ। पता नहीं है परमैन कहाँ रह गया। हाँ और मित्सुओ भी नहीं आया है, शायद अभी तक वो सो रहे होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आई। पता नहीं इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। क्या बात है परमैन, क्या हुआ? परमैन यहाँ पूरी तरह बर्फ बन चुका है। ओहो, ये तो रोबो की आवाज थी। ओह ये दोनों भी ना पागल है, किसने कहा था ये सब करने के लिए? पागल हो गए हो क्या परमैन? ठीक है, यहाँ पास में एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ ले जाएंगे। ऐसे तो इन दोनों की हालत और खराब हो जाएगी। इन दोनों को सबसे पहले ब्लैंकेट में लपेटो। हाँ अभी करता हूँ। ओहो आज के दिन में ये लोग मुझसे काम करवा रहे हैं। ये जगह ठीक रहेगी, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से अंदर जाओ, जाओ जाओ ठीक हो जाओ। वाको प्लीज कुछ करो, बहुत गर्म है। चलो अच्छा हुआ तुम्हें एक सबक मिल गया। बेचारा मित्सुओ, उसे तो सर्दी हो रही है। और परमैन को बुखार आ गया जब से वो स्प्रिंग वाटर में डुबकी लगा कर आया है। मैं उन दोनों को दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, उन्हीं की वजह से तो हमें बेस्ट पार्टनर्स मिले हैं। कितना मजा आ रहा है ना। मैंने इस प्लान पर कितनी मेहनत की थी और सब पर पानी फिर गया।